नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की जानकारी, रीट 2021 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पटवारी और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की PDF फाइल HD क्वालिटी में भी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 25 जुलाई 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री डोटासरा ने की घोषणा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बयान, जयपुर। राजस्थान के शिक्षा विभाग में जल्द ही 19,000 पदों पर भर्तियां होगी, ये जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है। अजमेर स्थित राजस्थान बोर्ड के कार्यालय में 12वीं का रिजल्ट जारी करने के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने कहा कि ये भर्ती तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती से अलग होगी। नई भर्ती के लिए अभी कैटेगरी तय करने की प्रक्रिया चल रही है। रीट शिक्षक भर्ती 2021, नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं PTI भर्ती। RBSE पहली बार बिना परीक्षा जारी हुआ परिणाम। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, 12वीं विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का परिणाम एक साथ घोषित। तीनों ही संवर्ग में 99% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण है। 12वीं कॉमर्स में 31,903 विद्यार्थी। 10वीं का परिणाम अगले सप्ताह संभव। शिक्षा मंत्री डोटासरा का बयान। RES भर्ती 2018 के साक्षात्कार का विवाद, आंदोलन की तैयारी में बेरोजगार। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में नवज्योति जयपुर भर्तियों में इंटरव्यू हटाने को लेकर। स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 परिणाम, 40% अंक वाले छात्रों को द्वितीय चरण में शामिल करने की गुहार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, नवज्योति जयपुर। कांस्टेबल भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। कांस्टेबल भर्ती 2020, नवज्योति जयपुर। शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए 20,000 से ज़्यादा आवेदन। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण की उठ रही है मांग, नवज्योति जयपुर। सेकंड ग्रेड शिक्षक के 16,000, PTI सेकंड ग्रेड 750, लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड 2,800, लाइब्रेरियन 39 और प्रारंभिक शिक्षा के करीब 2,000 सेकंड ग्रेड टीचर सहित अन्य शिक्षक शामिल है। निम्बाराम पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के कारण मुझ पर लगे आरोप, डोटासरा। RPSC में पूर्ण पारदर्शिता से होता है काम, शिकायत सही है तो सरकार करवाती जांच, नवज्योति अजमेर। 12वीं का परिणाम घोषित, 99.4% रहा। RBSE पहली बार बोर्ड के तीनों नतीजे एक साथ, डेली न्यूज अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। RBSE विज्ञान में 200 कला में सवाई माधोपुर रहा अव्वल। कॉमर्स में 14 जिलों का 100% परिणाम। JEE मेन आज दो पारियों में होगी परीक्षा, डेली न्यूज जयपुर। भास्कर जयपुर, ऐतिहासिक रिजल्ट क्योंकि राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजों में ऐसा पहली बार, सिर्फ 0.60% को छोड़कर बाकी सब फर्स्ट क्लास है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज वाले 413 अभ्यर्थियों के पंजीयन निरस्त। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती राजस्थान पत्रिका जयपुर। CBSE पाठ्यक्रम जारी, नई दिल्ली राजस्थान पत्रिका CBSE बोर्ड। भास्कर कास सभी कक्षाओं के लिए एक साथ स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है अभिभावक, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर का डर,
अभिभावक नहीं चाहते प्राइमरी स्कूल खुले। चोमू भास्कर, आरपीएससी में घुसखोरी जाल की कहानी, पीड़ित की जुबानी, अभ्यर्थियों को ये कहकर फांसता था सज्जन, और कोई हेल्प चाहिए तो बताना, फोन नंबर भी देता था। अजमेर भास्कर, महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय में एडमिशन व काउंसलिंग शुरू। जयपुर CIC 10वीं 12वीं के नतीजे जारी, 99% स्टूडेंट्स पास, 2 टर्म्स में कराई जाएगी परीक्षा। CBSE में नया पैटर्न, थ्योरी 35 और प्रैक्टिकल 15 अंक का होगा। कोटा भास्कर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉमर्स में 14 जिलों का 100% परिणाम, विज्ञान में भरतपुर कला में सवाई माधोपुर अव्वल। राजस्थान पत्रिका अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, लेटेस्ट अपडेट, ISC और ICSE की इस साल रीचैंकिंग नहीं। डेली न्यूज जयपुर, स्टूडेंट कॉर्नर, 10वीं में 90.64 और 12वीं में 79.21% स्टूडेंट्स पास। डेली न्यूज जयपुर, नीट MDS समेत कई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। डेली न्यूज जयपुर सिटी रिपोर्टर, क्लेट प्रश्न पत्र में हरा पत्ती पर लगाई ₹1,000 फीस। डेली न्यूज जयपुर, राजस्थान पत्रिका रविवार, मंत्री समूह की बैठक, अन्य राज्यों के अनुभवों और विशेषज्ञों की राय लेकर किया जाएगा फैसला। स्कूल केंद्र से पूछकर खोलेंगे कॉलेज पर निर्णय, 15 दिन टला। राजस्थान पत्रिका जयपुर, कॉलेज विश्वविद्यालय खोलने पर निर्णय 15 दिन बाद, रघु शर्मा के निवास पर मंत्री समूह की पहली बैठक। डेली न्यूज जयपुर, स्कूल खोले जाने के विरोध में उतरे अभिभावक संगठन। डेली न्यूज जयपुर, 7 दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक को पदोन्नत करने के आदेश। नवज्योति जयपुर, MDSU का कड़ा फैसला, निजी कॉलेजों पर प्रथम वर्ष के प्रति छात्र ₹15,000, द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्र पर 10-10,000 की पेनल्टी। अजमेर भास्कर, विश्वविद्यालय में खींचतान का नया अध्याय, प्रोफेसर सीमा ने दूसरे दिन ठुकराया आर्ट्स कॉलेज डीन का पद। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, JJTU की वेद विद्यापीठ में कर्मकांड प्रोहित की प्रायोगिक कक्षाएं आज से। बांसवाड़ा भास्कर, इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। बांसवाड़ा, तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल क्यों खुले। बीकानेर भास्कर, 12वीं के परिणाम से विश्वविद्यालय में बढ़ जाएंगे प्राइवेट परीक्षार्थी। अजमेर भास्कर, शिक्षा बोर्ड, प्राइवेट स्टूडेंट्स का बाद में परिणाम होगा जारी। बोर्ड ने एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को बांटा 2 भागों में। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।